मैं राहुल हाजिर हूँ अपने ट्यूटोरियल के साथ। और आज मैं आपको इस क्रीम के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मेडिसेलिक क्रीम का साइड इफ़ेक्ट बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाकर देख सकते हो। वीडियोज़ के आखिर में मेरा लिंक आएगा और मेरे चैनल पर भी वो अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्किन लाइट क्रीम के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि स्किन लाइट क्रीम में क्या क्या केमिकल्स मिले हुए हैं, जिसके वजह कर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसे यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हाइड्रोक्विनोन प्लस टेरेटिनोइन मोमेटासल्फ्यूरस मिला हुआ है। दोस्तों, इसमें मोमेटासल्फ्यूरस जो है वो आपके फेस के लिए तो सूटेबल है, बट जो हाइड्रोक्विनोन है और टेरेटिनोइन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। तो इसी वजह कर बहुत ज़्यादा लोगों के फेस पर ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये एकदम काले लोग जो होते हैं उनके लिए होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर लेते हैं जिनका रंग सांवला होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो के काले होते हैं उनके लिए है, तो ये क्रीम आप यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप ऑलरेडी सांवले हो या फिर आप गोरे हो तो आप इसे यूज़ मत करना बिल्कुल भी, वरना ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा आपके फेस पर। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ कि किस किस टाइप की साइड इफ़ेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्किन लाइट क्रीम है, इसको अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपकी चमड़े को पतला कर दे, आपकी स्किन को पतला कर दे। ठीक है दोस्तों, और दूसरे नंबर पे जो है वो बहुत ज़्यादा पाया गया है कि ये थोड़े दिन बाद यूज़ करते करते फेस पर रेडनेस आ जाती है, और बहुत ज़्यादा लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि रेडनेस जो है वो फेस पर अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, इसका एक ही कारण होता है, जब आप इसे यूज़ करते हो तो ये तो ऑलरेडी पावरफुल है, और आप इसे जब यूज़ करो तो इसे रगड़ना नहीं दोस्तों, ठीक है। और अगर ज़्यादा आप जानकारी चाहते हो कैसे यूज़ करना है, तो मैंने इसके एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। तीसरे नंबर पे जो है वो है फेस पे बहुत ज़्यादा लोगों के बाल आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है एक रिएक्शंस का सीन है। ठीक है दोस्तों, इनमें से एक रिएक्शन ये भी है कि आपके फेस पर बाल आ जाते हैं। दोस्तों, अब चौथे नंबर पर जो है वो है आपके फेस पर अगर ये सूट नहीं करता है तो कभी कभी लोगों को इचिंग होने लगती है। तो दोस्तों, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप इसे बस यूज़ ना करें, छोड़ दें यूज़ करना। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अगर इसे यूज़ करना छोड़ दें तो कौन सा क्रीम यूज़ करें। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसे छोड़ने के बाद आप थोड़े दिन वेट करें कि क्या इसकी वजह कर ही मेरा फेस पर ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये देखने के लिए, और इसके वजह कर क्या क्या रिएक्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9472735434। उसके बाद मैं आपको सब सारा कुछ बताता चलूँगा कि किस तरह से इसे आपको ठीक करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों का स्किन टोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है, तो वो लोग इसे यूज़ करें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा उन लोगों पर, वो जिनका स्किन टोन नॉर्मल है वो लोग इसे यूज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आती है कि जब वो लोग इस टाइप के क्रीम्स को छोड़ते हैं तो उनके फेस पे हल्के हल्के पिंपल्स निकल आते हैं। दोस्तों, ये इसी वजह कर होता है क्योंकि ये जो क्रीम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और जब आप इसे यूज़ करते हो तो आप इसे रगड़ने लगो, क्योंकि रगड़ोगे तो और ज़्यादा फेस गर्म होगा, और गर्मी की वजह कर वो पिंपल्स फेंक देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं लास्ट और आखिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि जब इसे आप छोड़ते हो तो आपका कलर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, और कुछ लोगों का तो इस हद तक डाउन हो जाता है कि पहले जितना अच्छा था उससे भी ज़्यादा डाउन हो गया है। तो दोस्तों, ये इसके रेगुलर यूज़ की वजह कर है। अगर आपको इसे सही से यूज़ नहीं करना आता है तो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हो, मैंने इसमें पूरा बता दिया है कि इसे कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से इसे यूज़ नहीं करना है, जिसकी वजह कर आपके फेस को प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको बहुत ज़्यादा पता लग गया होगा इस स्किन लाइट क्रीम के रिएक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, अपने फेस का ख्याल रखें, स्किन हमारी बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसे ज़्यादा यूज़ किसी और क्रीम के ऊपर ना दें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें तो थम्स अप एंड हिट द लाइक बटन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।